नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बार फिर से दो नेता आमने सामने, अब क्या अंतर है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। गौर से देखिए इस व्यक्ति को। एक समय वो था जब आम आदमी पार्टी के बड़े ही ईमानदार, बड़े डेडिकेटेड वर्कर थे, अब थे क्या बाद में बताएंगे। और एक तरफ सन्नी कांचीप जी, जो ह्यूमन राइट से वाबस्ता है और अपनी पार्टी से भी वाबस्ता थे या हैं, इन्हीं से पूछेंगे। फिलहाल आज डिबेट का जो मुद्दा रहेगा हमारा, कि ये व्यक्ति, हम फिर से कहेंगे कैमरामैन से ज़रा क्लोजअप दिखाइए, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। ये वो चेहरा है जो ईमानदारी की गाथाएं गाते थे, कहते थे आखिरी दम तक मेरा वोट जाएगा आम आदमी पार्टी को। पहले भी डिबेट इन्हीं दोनों के बीच में थी, तब के हालात और थे, आज के हालात और हैं। आज ये भाषा तो बोलते हैं पर भाषा में साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि भाजपा को फेवर कर रहे हैं। आज गाथाएं गाते हैं भाजपा की, नरेंद्र भाई मोदी जी के कोई दोराहे नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्य भी अच्छा है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सन्नी कांचीप जी पहले ही कहते थे कि आम आदमी पार्टी सही नहीं है, आम आदमी पार्टी ये है वो है, सारी नीतियाँ बताई थी, तब ये विद्रोह करते थे। आज देखते हैं आज इनकी राय मिलती है क्या, इनका आपस में क्या मेल खाती है नहीं खाती है। सनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परिचय देने का ढंग आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। मुझे ये बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना भाजपा की प्रशंसा करना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भाजपा से संबंध रखते हैं, वो सबके हैं। तो जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब नहीं, देश की प्रधानमंत्री पार्टी की गतिविधियां अच्छी नहीं है, श्रीलंकाकारी हैं, आम आदमी पार्टी देश के लिए कैंसर है। ओह माय गॉड, इसकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा आप। ये व्यक्ति भारत को खोखला कर देगा और भारत को बिल्कुल खत्म होगा। आज आपको थोड़े बहुत रोजगार जो नजर आ रहे हैं ना, ये समाप्त कर देगा बिल्कुल। तो देगा कौन रोजगार? प्रधानमंत्री जी। उनकी तरफ आते हैं सनी जी, ये उस दिन के बयान और आज के बयान क्या मेल खाते हैं, आप क्या कहेंगे? आज देखिए कौन सी बोली बोल रहे हैं। उस दिन भी हमारी काफी जो नोकझोंक है इनके बीच हमारी हुई, और उसके बाद मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके जो काम करने का ढंग जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर की पब्लिक को। फिर इन्होंने कहा था कि नहीं, कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है, वैसे लीडर जो हमारे केजरीवाल है वैसे कोई है नहीं। और कहा था इन्होंने खुद ही, जब बीजेपी का नाम लिया तो बीजेपी के टाइम पर यही कहा था कि बीजेपी बोलती है 50-50, 5 भी पार कर जाए तो हम गधे में बैठेंगे, यही इन्होंने कहा था। आप खुद पूछ सकते हैं कि कही थी कि नहीं कही थी। आपने कही थी ना, ये भी तो आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चाएं करते थे, आम आदमी पार्टी में रहे हैं। मेरे मित्र से पूछिए अपनी पार्टी में क्या। ये तो नहीं कहा था 5 सीटें आएंगी, मैं गधे पे बैठूंगा या घोड़े पे बैठूंगा, ये तो कहा नहीं था, ये तो आपने कहा था। देखिए दीदी, बात सुनिए, आम आदमी पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, देश के लिए कैंसर है, बार बार कह चुका हूँ। तो जब ये सनी कांचीप जी कह रहे थे तब आप तो इनका कटाक्ष कर रहे थे कि आप देखिए गलत बोल रहे हैं। ये तो मेरे से गलती हुई है कि आम आदमी पार्टी को समझने में समय लगा जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों से चल रही है भारत में, उसका एक मुद्दा है, उन्होंने बोला राम मंदिर बनाएंगे, बनाया, उन्होंने कहा 370 तोड़ेंगे त्रोड़ी, हर चीज़ की उन्होंने पाकिस्तान को आंखें दिखाई और पीछे खदेड़ा, चीन से अपनी ज़मीन वापस ली, चीन को ना को चने दवाए, सेना को मजबूत किया, देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून लाए जिससे भारत। पहले कह रहे थे मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो देश के प्रधानमंत्री, अभी तो आप भाजपा की गुनगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री वहां पर चल रहे हैं और उसी का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले वही तो हम कह रहे थे, सीधा तौर पर कही ना कि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आज भाजपा के देश की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है? भारतीय नहीं सरकार थी क्या पिछले 8 सालों में किसकी? देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा यहाँ के अरविंद रैना जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है, वो तो कोई दोराहे नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं कहते थे आप ये बात? देखिए जब सनी कांचीप जी ने, देखिए स्थिति जी, आप आम आदमी पहले पार्टी छोड़ने के पार्टी ज्वाइन करने के पहले आप बीजेपी में थे, आपने वो बीजेपी छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी छोड़ के आप फिर से बीजेपी में, आपको क्या नोब बताया कि आम आदमी आपने बीजेपी छोड़ी? आपने बीजेपी में मुझे देखा कहाँ है? खुद मुझे बोला, सोचा शायद। देखिए आपने बोला कि मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा लिंक्स है, मैं बीजेपी में था। भारतीय जनता पार्टी से जाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को मैं दोहराऊंगा और उस गलती को सुधार रहा हूँ। जैसे ही मैंने उस वहाँ अंदर रखा, जो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये एक कैंसर है। कार्यकर्ता वो तो कार्यकर्ता आप भी थे पहले, बिल्कुल इसमें कुछ जो आते हैं ना, जो दिल्ली से आए हुए कार्यकर्ता हैं। अच्छा, मतलब फिर कैंसर तो मैं पहले से बोलता था, थे कैंसर तब आप मान जाते तो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होता।
मैं आपके पहले छोड़ के आया हूँ, ये कैंसर से बढ़कर वो चीज़ है जम्मू कश्मीर को खोखला करने के लोगों से यही कहूँगा कि बलवंत सिंह मनगोटिया जैसे अच्षे आदमी को उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ ऑर्डर निकाला टर्मिनेट का, पहले उनके पांव बांधते थे, बलवंत सिंह मनगोटिया के आगे प्रार्थना करते थे हमारी पार्टी में आ जाइए। बाद में मुझे लगा पता ये पार्टी तो धर्मांतरण करवाने वाली होती है, धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, या ना हिंदू की है ना मुसलमान की ना सिख की है, ये कम्युनिस्ट है, ये बाहर के फिरंगियों के कहने पर चल रही है। देखिए मुझे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या पब्लिक की सेवा करने के लिए, क्या पब्लिक जनता के हित में उनके आवाज़ उठाने के लिए क्या हमें पार्टी में होना ज़रूरी होता है? क्या हम सोशल काम नहीं कर सकते? अगर आपने मुझे बोला कि आप अपनी पार्टी में हो या नहीं हो, वो छोड़ो, अभी मैंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है, ना कोई ऐसी मैंने बात बोली। अगर मैं पार्टी में रहूँगा चाहे ना रहूँ, लेकिन मैं देश की, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो समस्या है, उनके मुश्किलात हैं नौजवानों की, वो मैं उठाता आ रहा था, उठाता हूँ। इन्होंने कहा कि पार्टी में होना जरूरी है क्या? बिना संगठन के आप केवल तांडव कर सकते हैं ना। मैं ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया का, JKUT का चेयरमैन। क्या किया आपके? हम करते ह्यूमन राइट, हर दिन प्रोटेस्ट वालों के साथ बैठे होते हैं, उनके साथ बैठे होते हैं, और उनके निर्णय तो सरकारें लेती है ना। कौन सी निर्णय? निर्णय तो सरकार कोई भी मजबूर हम लोग करवाते हैं उनको निर्णय लेने के लिए। सरकार अगर निर्णय, मुझे बताइए, मुझे बता 25 साल से बताओ बिजली वालों को, हाँ लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए। आप रविंदर रैना जी ही करवाएंगे? रविंदर रैना जी एक ही है, बाकी मुझे बताइए आप आज कैसे रविंदर रैना जी का आप गुनगा रहे हैं? क्यों? अरविंदर रैना एक ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है। पहले थोड़ी देर पहले तो वो सबसे गद्दार पार्टी थी, सबसे देशद्रोही लोग थे। वो मेरी भूल थी, भी बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारत देखिए सबसे ऊपर है। मुझे बताइए आप USA, कनाडा, यूक्रेन वगैरह, रशिया वगैरह, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। मेरी बात सुनिए, आते हैं तो स्वागत है। आपने बोला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो पूरे देश यहाँ बैठ जाए, आज बीजेपी ज्वाइन कर, भारत से परामर्श लेकर। जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम जो पार्टीबाजियां करते हैं, काम करने वाला इंसान पार्टीबाजी नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। किसकी तरफ? ये तो बता दीजिए, अपनी पार्टी अपने लोगों के साथ। पार्टी का नाम मत लीजिए, पार्टी का नाम, अगर पार्टी में नहीं हूँ तो मैं देश में जीने का हक नहीं है मेरे को? मेरे को जम्मू कश्मीर के अंदर रहने का हक नहीं है क्या? अगर मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करूँ, मैं नागरिक नहीं हूँ देश का। काम कीजिए, पहले आप इनको डॉक्टर से चेकअप करवाएं, फिर मेरे साथ मिलाइएगा। आप करिए, जिन्होंने कहा 5 पार नहीं होगी तो मैं गधे पे बैठूंगा, आपने पूरा मशहूर कर दिया। तो आप बताइए, निकल चुका है, क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है, राष्ट्र को। सुनिए, अब हम बोलते हैं कि बीजेपी 5 के ऊपर पार नहीं करेगी, आप क्या करेंगे? आप बताइए कौन बीजेपी? आपके कहने से क्या होगा? आपका अपना वोट कहाँ पड़ेगा? आपको खुद नहीं पता? अरे भाई, पीछे गंगा में गई हड्डियां वापस नहीं आती। तो मैंने कहा तो फिर हो सकता है भाजपा का ही हूँ, तो फिर भाजपा का था, भाजपा का रहूं, भाजपा के लिए मरूंगा, भाजपा के लिए मरूंगा, हूं मैं राष्ट्रभक्त। क्या करोगे मुझे बताइए? क्या करना? बीजेपी का नाम क्यों ले रहे? राष्ट्रभक्त जो होता है वो देश का भक्त होता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त है, नहीं होता वो पार्टी का भक्त होता है। शपथ ली जाती है राष्ट्रभक्तों की, बीजेपी के भक्त। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। पहले डिसाइड करो कि राष्ट्रभक्त हो कि देश अपना पार्टी के भक्त हो, ये बताइए। राष्ट्रभक्त भी हैं और भाजपा के भक्त भी हैं। पहले मैं हिंदुस्तान का भक्त हूँ, मैं तिरंगे का भक्त हूँ सबसे पहले, और मैं सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को जो हमारे देश को बचाने वाले हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ। मोदी जी के भक्त भी हैं। मैंने बोला ना मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ना, उनके भक्त हैं ना। प्रधानमंत्री का हूँ, प्रधानमंत्री हमारे। किन की नीतियाँ, क्यों देश के गिरदारी कर रहे हैं? क्या नीतियाँ दी हमें बीजेपी ने, यहाँ पे बता दीजिए आप। आपको क्या गया रातों रात ऊपर से पैराशूट से ऊपर से आ जाए सब? 8 साल से क्या उधर वो इधर नहरों में कूद रहे थे क्या? वो बैठे हुए थे क्या 8 साल से? 8 साल से पार्टी की सरकार कितनी देर रही जम्मू में? 8 साल से है सेंटर से लेकर। PNC ने क्या दिया? कांग्रेस ने? मुझे नहीं लेना PDP CGP किसी से भी। उन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ हम बोलते हैं, उनको भी हम डांटते हैं, उनके लिए भी हम आवाज उठाते हैं। आप आवाज उठाए कभी LG के पास गए हैं? किसके पास? हां गए हूं मैं। कोई मुद्दा हल हुआ आपका? किस चीज के लिए? आपके मुद्दे का मतलब ही कोई नहीं होता। मुझे मैं कौन सा? नहीं, मैं मुद्दा हमारे डर लग रहा है। मैं मुद्दा पूछ लेता हूं, मुझे बताइए क्यों हम गुंडे हैं? जिन भी जाग गए तो मुमाली हैं, डाकू हैं। हमें डर लगा कि जिन ना जाग जाए आपका भी मन को। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज तक कभी किसी व्यक्ति जो भी जाता ना, कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ जाता जिस तरह से मनकोटिया जी ने कहा था मेरा जिन जाग गया तो मुश्किल होगी, और वाकई मुश्किल हुई। जिन जागा तो बात एक डोगरा के साथ आप छल करेंगे, कपट करेंगे। ये डोगरा, ये डोगरा वर्ड यूज कर आप मत ये बटने का प्रयास किया जाएगा। हम डोगरा नहीं है, डोगरा पर ये आप डोगरा होने पर, आप हमारे डोगरा होने पर संदेह करते हैं? आप कह रहे हैं डोगरा, वो किस तरह की बातें क्यों आप करते हैं? क्या आप डोगरा होने पर संदेह करते हैं?
नहीं, हम डोगरा नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में तब क्यों नहीं डोगरा दिखा? डोगरा कश्मीरियत मर चुकी है क्या? तब क्यों नहीं दिखा था जब आम आदमी पार्टी में थे डोगरा? आम आदमी पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, युवाओं को भड़काती है। जी किस तरह का भड़का? आम आदमी पार्टी में जितने भी लीडर हैं वो इस समय मैं आगाह करता हूँ कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, आपके साथ षड्यंत्र होगा। लखनपुर से लेकर जम्मू तक सांबा कठुआ के सभी सरपंचों पंचों जो भी पार्टी में गए हैं, मैं इनको बोल दूं, इनकी पार्टी में एक बहुत ही हॉनेस्ट लीडर हैं रीना चौधरी जी, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, टोनी जी से भी आग्रह करता हूँ, हर्षदेव से भी कहता हूँ पार्टी छोड़ दो। आपके कहने पर छोड़ेंगे क्या पार्टी? मुझे लगता है आप खुद ही बाद में छोड़नी पड़ेगी, इससे पहले ही छोड़ दे। आपने कितनी बार तो खुद छोड़ी? जैसे मैंने समझाया था आपको उस टाइम, वैसे छोड़ेंगे? जैसे मैंने कहा था वैसे समझा, वैसे छोड़ देंगे वो भी? मैं तो मजबूर था। देखिए जैसे मैंने जी आपको उस टाइम समझाया था वही बात आ गई, अब आज उनको आप समझा रहे हो, तो अगर आपके कहने पर वो मान गए तो हो सकता है जम्मू कश्मीर का उद्धार हो जाए, छोड़ के आ जाए। जम्मू कश्मीर का उद्धार अगर अपनी पार्टी से वो निकल कर आ जाएंगे, सरकार तो फिर भी नहीं ना बनी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से मनाना है। आप इस मुहिम में शामिल हो जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात बताइए पहले, आप बीजेपी पहले मेंबरशिप करो, पहले आप ज्वाइन नहीं, सुनो इन्होंने ज्वाइनिंग की है, मेंबरशिप लिए, जो आपको वेलकम कर रहे हैं। देखिए मैं वेलकम, राम मंदिर किस बात की वेलकम कर रहे हैं? राम मंदिर किसने बनवाया? 370 किसने तोड़ी? 35 किसने तोड़ी? किसने तोड़ी? उसे क्या हो गया? उसे क्या हो गया बता दीजिए। 370 से तोड़ने से आपने भारत क्या दे दिया जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या दे दिया? हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारा मुझे वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर में 1,65,00,000 लोग आए, क्या ये बड़ा बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में वहाँ पे कारोबार करो, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, इसको इसको जितना आपने धकेलना धकेल दो, इसको बेरोजगारी भी लाओ, बॉर्डर के लोगों को भी खत्म करो, यहाँ पे टेलीविजन खत्म कर दो, जोरी हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। किसका काम है बनाना? गवर्नमेंट का, सरकार का, गवर्नमेंट का। हाँ जी, वो क्या अगर वो सरकार नहीं होगी नहीं बनाई हाईवे? हाँ जी, अगर सरकार पहले क्यों नहीं बना? क्यों 70 वर्षों में पहले क्यों नहीं बना? मेरे को बताइए, आपको पता है जो उधमपुर हाईवे कब से बना स्टार्ट हुए? कब से स्टार्ट हुए बनना? कब बना? कब से स्टार्ट हुए बनना? अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। कब से? अटल बिहारी वाजपेयी कब से बताइए ना? कब से? अटल बिहारी वाजपेयी कब से? कब से? कब से? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने? जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सब सरकार आई थी तो उन्होंने 2002 में कहा था भारत की सीमाओं को रोड मैप पे लाना है, हुआ ना? 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था, तब जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार थी? देखिए सरकारें तो आती जाती हैं राज्यों में, केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार? ऐसी बात करी ना, आती जाती। मित्र आप, और रही बात दूसरी, मुझे लगता मुझे बताइए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको पच नहीं रही। अच्छा, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी आपको पच नहीं रहे? प्रधानमंत्री मुझे, मैं क्यों उस तरह के खिलाफ बोलूंगा जो मैं देश का प्रधानमंत्री है? मैं क्यों उसके लिए बुरा बोला बोलूंगा? मुझे बोलो, हमारे घर पे कोई बुजुर्ग होगा मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, हमारे घर पे माताएं बहनों होगी उसकी भी इज्जत करता हूँ, वो तो देश का प्रधानमंत्री। आप ऐसी बात क्यों मुझे बोल रहे हो? मजबूर क्यों करा रहे हैं कि नहीं? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है वो, देश के प्रधानमंत्री है, इज्जत से बुलाइए, रिस्पेक्ट से। मैंने क्या बोला? मैंने क्या थोड़ा सा, मैं अपने घर वालों की माँ बाप की इज्जत करता हूँ तो मेरे लिए वो तो बहुत बड़े हैं। कैसी बात करते हैं? थोड़ा सा पानी दे भाई। नहीं पानी पहले ये बोलो कि आपने बोला क्या, सुनना क्या? बोलते कुछ हैं। देखो प्रधानमंत्री को मैंने कुछ बोला नहीं, वो मन जो है कहते नहीं नहीं, आपने प्रधानमंत्री कुछ बोल दिया, पहले आप देख लो। क्यों घबरा रहे हैं? आपने बोला क्यों? मैं चोर हूँ क्या जो मैं घबराऊंगा? मुझे बताइए मैं क्यों घबराऊंगा? मैंने चोरी की, पार्टी छोड़ी गई, मैंने पार्टी में जाके उधर बोला कि मैं इतनी सीटें लूंगा, मैं ये कर दूंगा, हमारा वोट हो जाएगा, मैंने कुछ बोला नहीं ऐसा। मैं अपनी पार्टी के लिए भी नहीं बोलता, सीधी बात है, मैं क्यों बोलूं? अपनी पार्टी तो उस दिन तो आप मेरे अपनी पार्टी पीडीपी को छोड़कर पार्टी कुछ नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी सब कुछ कर देगी, देश में नाम ले आएगी पूरा, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, पार्टी देश को बर्बाद। उस आम आदमी पार्टी देश को जरूर बर्बाद करेगी। देश में तो है नहीं बेचारी, वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर देश को, देश को लेकर चलते हो आप, बात बात आप ये करते हो, पहुंच जाते हो देश के अंदर, बात आप करते हो बॉर्डर की, पहुंच जाते हो आप अयोध्या, पहले जम्मू कश्मीर देख लो, जम्मू कश्मीर के मंदिर तो बचा लो पहले, जो अंदर यहाँ पे सिर्फ वाइन शॉपों के अड्डे, नशे के अड्डे चल रहे हैं, पहले वो तो बचा लो। 10 सालों से महाराजा हरीश सिंह जी की छुट्टी को लेकर जो संघर्ष था, कौन सी सरकार ने केंद्र से उनका प्रस्ताव जो है, कितने धरने प्रोटेस्ट में बैठे आपके सरकार के बंदे? जी कितने धरने प्रोटेस्ट पे बैठे जो सरकार में होते हैं, उन्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, काम करते हैं, काम अच्छा, वोट लेने के टाइम रोड पे आ जाते हैं, लोग घरों पे चले जाते हैं, ऐसे झूलियां लेके डालो वोट, तो वोट किस लिए लिए जाते हैं? किस लिए? काम करने के लिए, कुर्सी पे बैठ के जब काम करने के लिए फिर धरने में बैठना पड़ता है।
नहीं बैठते क्या? जब विपक्ष में होता है कोई तो तब धरने में बैठा। कितनी बार बैठे धरने में? आपने कितनी बार देखा मुझे? नहीं, सिर्फ मीडिया में देखा था। आपने कितनी बार देखा? आपको नहीं देखा? नहीं देखा, सिर्फ मीडिया में देखा। मैंने बोलते हुए रिसर्च कर लिया भाई, आपने मीडिया का काम है सर्वे करना। हम कवर करते हैं, हम कवर करते हैं। हमने तो बिल्कुल, हमने हमने पीएचसी डेली वेजर के साथ आपको नहीं देखा। चलिए पहले की बात छोड़िए, आप आम आदमी पार्टी में थे, छोड़िए। अब आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन बनकर उनकी हिमायत कर रहे हैं। हमने अभी भी आपको नहीं देखा, ना डेली वेजर के साथ। भाजपा के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, जो भारत में सरकार है तो सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थोड़ी देर पहले आप भाजपा के गुण गा रहे थे ऑन कैमरा। गुण गाने में क्या है? भाजपा के जो अच्छे काम करेगा उसके गुण तो काम। आप एक जगह तो स्टैंड कीजिए, एक जगह तो रही है। अभी मैंने पार्टी में थोड़ी गया हूँ, मैं पार्टी से, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा तो करूंगा। प्रशंसा किस लिए करेंगे? पार्टी फटाफट बुलाए आपको क्या? पार्टी क्यों बुलाएगी मुझे? खुद जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। उनको बताया था ना, यहाँ पर अपने आप सब आते हैं, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। ऐसा चुंगम है उनके पास, ऐसा काम है। मानते हैं ना, वॉशिंग मशीन भी है उनके पास। तो आपको डिटर्जेंट के साथ, अगर आपको पता है तो फिर आप क्यों नहीं पूछना? तो जरूरी है ना, मैं स्वच्छता के साथ, स्वच्छता के साथ आप भी उस वॉशिंग मशीन में धुलना चाहेंगे? आपको भी धुलाएंगे, इनको भी धुलाएंगे। हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत है। हम अपनी माइक से सबको धो डालते हैं, टेंशन मत लीजिए। अपनी माइक को धो, आपने मुझे कहा हमारी माइक शुद्ध है और सच सच ही तक पहुंचता है, गलत नहीं, नीतियां नहीं पछती हैं। मुझे 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 एक बात बोलिए स्त्री जी, आपने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री खाली आपके नहीं है, पूरे देश के हैं। बिल्कुल, आपके अकेले के वो खास नहीं है, हमारे देश पूरे देश के हैं वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश थोड़ा बोल रहा हूँ, उर्दू थोड़ा बोल रहा हूँ, फारसी थोड़ा, कश्मीरी बोलूँ फिर आपको समझ आएगी नहीं आएगी? फिर मैं बोलता हूँ, कश्मीरी बात करता हूँ तब आपको समझ आएगी। बाबू खो जाते जिस भी बाबू, पता ना हो अगर स्त्री जी, आपको पता ना हो तो ना बोलिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात का अच्छी तरीके से ढंग से जवाब दीजिए। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आदर सत्कार करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, और जो हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री आए थे, मैं उनका भी बहुत वेलकम और आदर सत्कार करता हूं। हमने किसी के ओहदे को कोई हमने ताना नहीं मारा, हमने किसी भी ऐसे नौजवान जहां हमारे बुजुर्गों को ताना नहीं मारा, ना हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए किसी को बोला किसने किया कि नहीं किया। छुट्टी के लिए डिमांड पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरा ने, जम्मू कश्मीर की जम्मू एकता ने, साथ होके जिन्होंने मारे खाई हैं उनके घर जाके पूछ। मेरे को बात सुन लीजिए पहले, वर्ष हो 10 साल 8 साल 9 साल 15 साल, आपको एक बात पता है, मैं ही एक सन्नी कांची हूँ जो वहां पे नेम प्लेट लगाने वाला पहली महाराजा हरि सिंह की मैं ही था, वीडियो पे देख सकते हैं आप, मैंने नेम प्लेट लगाई थी, उसके बाद दूसरी लगाई थी वहां पे, मैं ही एक पवन चिबोर और मैं दो थे जो अनशन पे बैठे थे, जो सोटिया सामने हमें वहां से उठाया था, सबसे पहले मैं था, वो था। ऐसे मत बोलिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप बोलते हो कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मुझे वो गिनाने की जरूरत नहीं है। हम किसके प्रदर्शन में बैठते हैं नहीं बैठते, मुझे यहाँ की जम्मू की जनता और जम्मू की नौजवान के लिए मुझे प्रेम है और उनसे उनका हक चाहिए जो बेचारे काफी देर से मांग रहे हैं। प्रदान करने आए, चाहते क्या है मेरे से? ये सुन लीजिए, नहीं नहीं भारत के अंदर देखो कोई नहीं कर सकता, और आपको उनका समर्थन करना चाहिए। 23 सितंबर की छुट्टी में हैप्पी सिंह आपका अगर हाथ है, सभी सभाओं महासभाओं का हाथ है, ठीक है भाई, हमारे वो कोई बात, भारत सरकार का बड़ा सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल होगा, हम खुद वहां पे मेमोरेंडम देने गए थे, भारत सरकार को दिया। सवाल आपसे करेंगे फिर, आप दोनों अपनी प्रक्रिया रखी है। अभी जो आदेश आया कल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में, कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर में जिसे एक साल हो गया ज्यादा खुले, वहां पर अब बियर बिकेगी, यानी बियर मिलेगी, आप ले सकते हैं। आप किस तरह से लेते हैं और ये किस तरह से लेते हैं? जब ये जो ऑर्डर हुआ है, अब इसके विषय में इसके जो पूरे ढंग से इसकी नीति को पढ़ा जाएगा, उसके आधार पर बात होगी, इसके लिए 10-15 दिन के बाद बात हो सकती है। परमिशन तो मिल गई है, यानी आदेश तो आ गया है, देखते हैं, आप बात करेंगे तभी फैसला होगा पूरा। क्या बियर जो है, क्या अल्कोहल है, क्या बियर के अंदर कोई चीज वो मात्रा है भी है या नहीं है? जब वाइन शॉप में बिकती थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो नहीं। आप इतनी जल्दी में आ जाते हैं? नहीं नहीं, बारिश हुई, जो बारिश हो रही है, हवा चल रही है, कितनी तेज चल रही है, कितने मिलीमीटर, जो आदेश आया है भाई लागू हो चुका, उसके लिए लाइसेंस मिलेगा कि आप बियर जो वाइन शॉप में मिलती थी वही? आपको क्या लगता है डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने से वो बियर का जो असर कम हो जाएगा? तो कोई ना कोई नीति बनाई गई होगी, आप इतनी जल्दबाजी में मत आइए। हमारा काम है सवाल पूछना, हम थोड़ी बैठे रहेंगे कि कोई पार्टी में जाएंगे, पार्टी के अध्यक्षता करेंगे फिर जाके कोई आपको इसके उत्तर जरूर। हमारे पास जो आदेश आया उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि अब डिपार्टमेंटल में भी आपको बियर मिलेगी जो कि रेडी टू ड्रिंक बिवरेजेस मिलेंगे? काम कीजिए, ये एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। तो आप किस बात के नेता हैं फिर? ऐसे कोई बात करो तारीफों के पुल पर, सवाल तो हम पूछ रहे हैं। आप इतनी जल्दबाजी में पूछ रहे हैं, इनसे भी जल्दबाजी पूछिए, इनके पास जवाब है नहीं जी, आप बताइए सनी जी। देखिए पहले सुन लीजिए, भाजपा अरे बेयर जो है, बेयर अगर लाई है उसने कुछ, सरकार ने कोई नीति लाई होगी, कुछ सोच समझ कर लाया होगा, बहुत बड़े बड़े जम्मू मंदिरों का शहर है,
हाँ जी आपको क्या कहा पहले कहा बैठे आपको लग रहा जम्मू मंदिरों का मंदिरों का शहर से नाम जाना चाहता ना नहीं आपको हुई तो पूछ रही है अब मंदिरों का शहर है कह रही है आज पता चला ये जनता कह रही वही आपको ज्यादा करवाने के लिए रोड़ता है सुनिए सिगरेट तंबाकू ये इतना कुछ बिक रहा है कि आज आपको पता लग रहा है ना मेरी बात आप भाजपा को टारगेट करने के चक्कर में ही रहती है हर वक्त अब लग रहा भारतीय जनता पार्टी अब इसका जवाब जनता देगी जो हम इस समय देख रहे हैं ये क्या है कि भाजपा को टारगेट किया जा रहा है ये हमने जनता के व्यूज आपसे जानने का प्रयास किया जनता इस पर क्या पार्टी को टारगेट करने के लिए एक ऐसी व्यक्ति है जो कह रहे हैं वाकई आप भाजपा को टारगेट करें जब उनकी नीतियों के खिलाफ जो जिसकी की जनता विरोध कर रही है नीतियां आज अगर आप जहां सक्षम हैं यहां पर सुरक्षित हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं हम अपनी अपनी सुरक्षा बलों की वजह से हैं हम अपनी सुरक्षा बलों को आज से पहले सैनिकों को इतनी छूट नहीं दी गई थी पहले इतना ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं थी प्रधानमंत्री जी ने इसमें काम किए हैं निस्संदेह गृह मंत्रालय में रहते हुए राजनाथ सिंह जी ने भी अच्छे काम किए और अमित शाह जी ने भी आज अगर आप सुरक्षित मतलब आज है सिर्फ सुरक्षित है सिर्फ भाजपा की वजह से भाजपा के नेता खड़े हैं क्या भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर पे नेता खड़े हैं क्या भारतीय जनता पार्टी नेता को बोलिए आधा घंटा खड़ा होकर बताए हमारे सैनिकों को सेना के हाथ बांधे हुए थे आज सेना खुल गए हैं बिल्कुल तो पीओजे के कब लेने जा रहे हैं आप भी जा रहे हैं साथ आपने आपने क्या करना है पीओजे आप बताइए जरा इनको में जो करगिल की लड़ाई हुई थी तब बीजेपी के कितने लीडर थे वहाँ बैठे हुए आप मुझे ये बताइए तब उनके हाथ बांधे थे आर्मी वालों के आप मुझे ये बताइए जब हमारे श्रीनगर के अंदर हमारे आर्मी के जवान मिलिटेंटों से लड़ते हैं तब उनके हाथ बांधे होते हैं उनकी शहादत को नमन कीजिए कारगिल के शहीदों को नमन कीजिए उनको उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश आप मुझे अटल अगर समय कहाँ थे जनाब अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर अटल बिहारी निर्माण किया है वहाँ पे साथ में नहीं होते तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान मैं बोलता हूँ हमारे आर्मी के जवान शेर है ये कहते क्यों बोला शेर है अगर मैं बोलता हूँ जीते बोले क्यों बोला जीते तो मैंने क्या बोला नमन है आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी फैमिली में रहता हूँ जहाँ पे जो औरतें हैं वो बोलती हैं तुमने किया क्यों बोला आप धन्य है धन्य है मैंने कहा आपने वो बात मीडिया बता दिया आपको आपको पब्लिक बताई किसने करवाना है वो बीच में लिखेगी लेकिन मेरी बात सुनिए मैंने ये कहा कि हमारी आर्मी उस टाइम भी खुली थी शेरों की तरह जिसने जीता अपना हिंदुस्तान जिसने जीता करगिल की जंग हमारे वो फौजी और सरकार की इसमें भी कहेंगे कि भाजपा ने किया सरकार बीजेपी की थी सरकार प्रधानमंत्री कौन थे मोदी होंगे प्रधानमंत्री जी कौन थे आप ही बोल बड़ी घृणा है आपको आप किसे दो नाम लेते हो प्रधानमंत्री आपको बहुत घृणा है भाजपा रविंद्र राणा जी तो प्रधानमंत्री मोदी जी अरे भाई साहब रविंद्र राणा जी अच्छा वो भी ले लो चलो अच्छा, वही लाइन वो पहले एनसी में थे रविंद्र राणा जी तब एनसी में थे आगे ना किस में भाजपा में क्यों आए बताओ ना नीतियाँ अच्छी थी अच्छा नीतियाँ अच्छी हैं क्यों आ रहे इतने नेता करगिल में लड़ने गए थे वो करगिल युद्ध सेना का काम है सैनिक आप अपमान आप सेना का अपमान कर रहे हैं आप सेना का अपमान कर रहे हैं सेना का नेतृत्व सरकारें करती हैं सेना का नेतृत्व सरकारें करती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री करती है सरकार में हो तो करती है पहले आप अध्ययन कीजिए राजनीति के विषय में पढ़ लीजिए करती है सेना का अध्ययन डिफेंस ही करता है और प्रधानमंत्री ही लड़ने के लिए बोलता है नेता बनने से पहले राजनीति का विश्लेषण कीजिए मुझे बताइए आप मुझे बताइए मैं बोलता कुछ हूँ उसका जवाब कुछ उल्टा आता है आपका उल्टी आप मुझे लगता है उल्टी गंगा बहती है जैसे उत्तर वैनी वैसी एमआरआई कराइए अपनी उत्तर वैनी की तरह हो उल्टी बहते हो उत्तर वैनी हमारी पावन गंगा है इसके विषय में मत कुछ कहना जो इनका अंदर का जीन लगा जा रहा है ओ मैंने बोला उत्तर के बारे में मत कुछ कहना उत्तर वैनी के लिए मैंने बोला क्या मतलब उत्तर वैनी गंगा है तो मैंने क्या बोला क्या है मैंने बोला नदी है कोई मैंने बोला हर एक कंकर शंकर है हर नदी एक गंगा के समान है मैंने क्या बोला क्या बोला आपने भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षक है मुझे बताओ मैंने क्या बोला भारतीय जनता पार्टी है तो देश है भारतीय जनता पार्टी है मुझे गर्व सुनो मेरी बात भारतीय जनता पार्टी भी बात मैंने क्या बोला भारतीय जनता पार्टी के समय ही आज कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है सुरक्षित है 133 दिन से बैठे राहुल बेचारा उसको इनोसेंट किलिंग करवा गई 133 दिन से कौन बैठे हुए जो बेचारे बैठे हैं रविंद्र राणा जी उनके पास रविंद्र राणा जी 133 दिन से कौन बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समय में आप रातों रात सारी चीजें मांग रहे हैं वो कौन है
कल रविंदर रैना जी उनके पास गए थे, सब है प्रधानमंत्री जी ये कैसे हैं, सिक्योरिटी दिलाएंगे अगर गए उसके पास कश्मीर में बैठे हैं, तो ये 370 टूटने के बाद बैठे हैं। अच्छा पहले कहां था, पहले कहां, जैसे कहां थी, पहले कहां थे, जैसे कश्मीरियों को, जैसे पहले कहां थे, पहले सरकार के समय पहले कहां थे, कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर के अंदर लोग पहले कहां थे, यहां से डोगरा भागते और लखनपुर के पार होते। अच्छा आज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शुद्धिकरण किया है, 370 तोड़ के यहां पे बसाए, बिल्कुल अच्छा किया। क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, चोरियां कतल आए दिन इस तरह क्योंकि पहले लोग नहीं था, अब लोग आ गए। आज आपको नजर आ रही पहले चोरियां नहीं थी, पहले इतनी नहीं, पहले कतल नहीं थे, पहले नहीं इतनी, कौन कहता है, मतलब आपको लगता है शुरू से कतल चल रहे, 90 में क्या हुआ, शुरू से चोरियां चल रही थी, 90 में क्या हुआ था, नरसिंहार और चोरियों में 90 में क्या हुआ था, जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो बताइए हमें, हमें जो जिस चीज का सवाल, षड्यंत्र रच रही है यहाँ पर, ये रही है ये सरकारें जो पहले रह चुकी है, भाई मेरे पानी पिलाओ, भाई को पानी पिलाओ, क्या रही है आप, बेसिकली आपसे भाजपा की प्रशंसा पच नहीं रही, एक बात नहीं सीधा कही आपसे, सत्य पच नहीं रहा, हम ये जरूर कहेंगे, यही है, सुनिए ये आप वही आप सुनिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे भाजपा की प्रशंसा पच नहीं रही, इन्हें सच पच नहीं रहा, इन्हें जो सच हम बता रहे हैं वो पच नहीं रहा, क्योंकि आए दिन कभी ये आम आदमी पार्टी के गुनगाते हैं, उस लिए तो इनके ऊपर धावा बोल दिया था, आज पब्लिक को क्या इंसाफ दिलाएंगे जो एक पार्टी में स्टैंड ना हो सके, कौन, मैं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, अकेले अपने जम्मू कश्मीर का आवाज बनकर खड़ा रहूंगा, पार्टी में कोई किसी के साथ मैं, सुन लो फिर आजाद लड़ूंगा और आजाद सुन लो, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, उसे एक वोट का क्या होगा, जो आपने कहा था मेरा सिर्फ वोट जाएगा केजरीवाल को जब तक मैं जिंदा हूँ, दिल्ली में भी तो मुकर गया मैं यार, MRI करवाओ, आप MRI करवाओ, लग रहा है मुझे, कौन हमारे पास रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड पड़ा, आपको MRI मैं कह रहा हूँ छोड़ दी, आपको MRI की जरूरत, ये षड्यंत्रकारी कैंसर पार्टी देश के हित के लिए जो देश को खराब कर रही है, ऐसी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप क्या कहेंगे, बस लास्ट में जाते जाते इनको तो मैं धन्य कहूंगा, अयोध्या में मंदिर में इनके साथ भी बिठा दो, मैं उधर इनकी आराधना करने आऊंगा, जो भी है मैं सीधा सीधा साफ साफ तीजी बोलना चाहता हूं, पार्टी से हटके देश के लोगों की जम्मू कश्मीर की जनता के साथ आओ और बाहर उनकी आवाज भी ये काम कर सकते, तो फिर आप उन्हीं के साथ करिए, पब्लिक का मत करिए, बस यही पार्टी में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पार्टी को लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बाद में पूर्ण बहुमत आने के बाद कहीं आगे पीछे नजर आए तो कहाँ आगे पीछे कहाँ आऊंगा मैं, आगे बढ़ा चला गया मैं, अगर पांच अगर बाद में आऊंगा, नहीं एक चीज और लास्ट में सवाल, अगर पांच सीटें नहीं आई तो आप क्या गधे पे बैठने के लिए तैयार, कौन सा गधा, आपने कहा था ना कैसा गधा, गधा भी भूल गया आप, क्या होता है गधा, आपने कुछ कहा था ना हिंदी का वर्ड, जहाँ सिर्फ गधा चलेगी गधा, क्या अपनी पार्टी क्या NCP क्या PDP क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, अभी कब आपने तो शुद्धिकरण भी किया था, आपने यही कहा था ना शुद्धिकरण किया, भाई आपको हमारी भारत की संस्कृति से इतना वो क्यों होता है, नहीं, आप उस चीज को ना सियासत के साथ सियासत का साथ जोड़ते हैं ना, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरी मर्जी है मैं शुद्धिकरण करूं नहीं करूं, इसमें आपको इसमें क्या लेना है, मेरा आप ही तो हमें बताते हैं कि मैंने शुद्धिकरण किया तो फिर मीडिया में तो आगे कराते हैं, किया है एक जगह स्थिर रही ना, बताइए आप बोला कि मत करो शुद्धिकरण, क्या है दो नेताओं को जो मर्जी करी जिस मर्जी पार्टी में जाइए, आज बात में कल हो सकता किसी और पार्टी में क्यों जाएगा, वो आपकी व्यक्ति क्यों जाएगी, चलिए अगर मैं भाजपा से आम आदमी पार्टी की तरफ मैंने रुख किया था तो मैं भाजपा में ही हूँ, भाजपा में था, आम आदमी पार्टी में रहता भी मैं भाजपा में ही था, और बताओ क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा मन मेरा तन भाजपा में, मैं प्रधानमंत्री जी का सेवक हूँ, प्रधानमंत्री जी के विषय में आप उम्मीद करते हैं यहीं पर आपका मन और यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि मन है विचलित हो जाता है, ठीक है धन्यवाद, यानी हमारा नहीं होता सर, टेंशन मत लीजिए, पार्टी को शामिल कर लेंगे, बस यही चाहते थे, ये हो गया, वो बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करें, धरना प्रदर्शन करना हमारे शहर में क्या पूरे देश में हमारा हक है, लेकिन जल्द ही प्रधानमंत्री जी बड़ा निर्णय लेंगे और आप सब सुरक्षित हाथों में होंगे और आपको रोजगार मिलेगा, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सनी खान चीप और पंडित सतीश शास्त्री जी, जो पहले आम आदमी पार्टी के बड़े ही वफादार कार्यकर्ता थे, वॉलंटियर थे, कहते थे मेरा वोट एक आखिरी वोट होगा, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ पर जाएगा केजरीवाल को, आज वही कहते हैं कि कुछ भी हो भाजपा ही देश भक्त पार्टी है, बाकी सारी देश विरोधी पार्टी है, यानी साफ तौर पर कटाक्ष किया, वही दूसरी तरफ सनी खान चीप जी से पूरी हमने आपको बताई वार्ता किस तरह से, यानी किस कदर इंसान रंग बदलता है, शायद गिरगट भी इतना ना बदले जितना सतीश जी बदलते हैं, हम तो हैरान हैं, ऑन कैमरा कितनी बार इन्होंने हमें उसकी नीतियों के बारे में बताया कि अगर सरकार होगी जम्मू कश्मीर की तो केजरीवाल की होगी, केजरीवाल आने वाले समय में CM होंगे, और लगातार भाजपा को कटाक्ष में खड़े रखते थे, हमेशा उनके ऊपर टिप्पणियाँ करते थे, आज किस कदर
अंदर इन्होंने रुख बदलता है बदला, शायद आपने भी इसका तसव्वुर नहीं किया होगा और हमने भी। चलिए खट्टी मीठी नोक झोंक भी हुई और आदान प्रदान भी हुआ, आपको क्या लगता है अपनी वीडियो में ज़रूर कमेंट इस वीडियो में दीजिए, उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।